हेलो, गुड मॉर्निंग। आज वीकेंड है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो 10 बजने वाले हैं हमारे यहाँ, तो इसलिए थोड़ा लेट से भी उठी। ब्रश व्रश हो गया, अब चाय बनाना है। हम लोग चाय ओनली वीकेंड्स पे पीते हैं, इसलिए आज चाय वाली डे है। क्योंकि सुबह को जब निकलते उतना टाइम नहीं रहता है, सो आज मैं दिखाती हूँ मैं चाय बना रही। चाय बना रहे हैं आज। आज वीकेंड का सनी वेदर है। आज इतना अच्छा वेदर है, लेकिन कहाँ घूमने जाए वही है क्या, क्योंकि शाम को एक्चुअली आपको आप पहचानते होंगे, आकाश गुप्ता का प्रोग्राम है। आकाश गुप्ता को स्टैंड अप कॉमेडियन, तो हम लोगों का प्लान है वहाँ उसकी एक घंटे का शो है, वो हम देखने जाएंगे। वो फिनलैंड में यहाँ आ रहा है, और मैंने कुछ फेसबुक में एड्स भी देखे हैं कि वो आसपास में भी कहीं मतलब शो करने यहाँ आया है, आई मीन यूरोप में, एम्स्टर्डम या लाइक ब्रसल्स लाइक दैट। तो आज हमारे फिनलैंड का टर्न है, तो देखते हैं। बहुत दिन ऐसे शोज नहीं देखे आफ्टर कोरोना, और फिनलैंड इतनी छोटी सी जगह है कि यहाँ पर वैसे तो कोई आर्टिस्ट आते नहीं है, बहुत कम ही आते हैं। तो देखते हैं आज का दिन कैसा चलता है। सुबह को तो एटलीस्ट अभी हम लोग चाय से शुरू कर रहे हैं। ये है मेरा कप और ये है जीत का, दिखाते हैं। ये हमारी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, तो जब चाय पीती हूँ तो उस दिन ये यूज़ करती हूँ। सुबह से बहुत रेस्ट लेने के बाद, एक्चुअली कल पार्टी बहुत देर तक चली थी, तो लेट से भी उठे थे, इसलिए चाय वाय भी पीते पीते गप्पे लड़ाते, फिर मम्मी पापा सबको फ़ोन करना या कुछ वीडियो कॉल्स, तो वो करते करते बहुत हम लोग लेज़ी। आज सैटरडे चल रहा है, तो अभी मैं नहा चुकी हूँ। अब मैं दिखाती हूँ मेरी पूजा वाली प्लेस। ये मेरी पूजा वाली प्लेस है, ये वाला, ये एसेंस के लिए होता है, अच्छा स्मेल रहता है, इसलिए वो मैंने डाला हुआ है। और ये है मेरी पूजा वाली प्लेस से, एंड और नीचे सारे पूजा की सामग्री जो होती है वो सब है। हमारा दोपहर हो गया है अभी, तो हमारा लंच भी कंप्लीट हो गया है, एंड रायन अभी भी खा रहा है। सही, आर यू डन? ओके, मैं आज थोड़ा हमारा बैल्कनी दिखाती हूँ। अभी तक तो ये लाइट्स, वो क्रिसमस वाले लाइट्स ही हम लोगों ने अभी हटाए नहीं है। लास्ट ठंड तो है लेकिन बर्फ गल रही है। हम लोग फिफ्थ फ्लोर पे रहते हैं, और ये थोड़ा सा हिल है बोल के ये ऊपर वाला व्यू बहुत अच्छा आता है। और ये नीचे हमारा पार्किंग एरिया है। अचानक से ही स्नो गिरना शुरू हो गया है, थोड़ी थोड़ी। अभी तो होनी तो नहीं चाहिए, बट वेदर में भी दिखा रहा था कि मे बी थोड़ा सा 10 या 20% चांसेस है। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप के दिख रहे हैं, बहुत ही हल्का सा हो रहा है, लेकिन फिर भी मार्च के एंड ऑफ द मार्च भी स्नो गिर रही है अभी भी हमारे यहाँ। ट्राई कर लिया है मैंने, हम सोच रहे थोड़ा मॉल पे जाए, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में तो कहीं निकले नहीं पार्टी के बाद, टायर्ड थे बोल के। और मेरा एडिटिंग भी बहुत बाकी था, वो भी मैंने किया, और जो मैंने कहा था मेरी और एक ब्लॉग है बॉन्ग पारो लिमिटलेस, तो उसकी भी एडिटिंग रहती है, तो वो भी मैंने किया। तो अभी सोच रही हूँ थोड़ा बाहर जाऊँ,
और अभी मैंने आपको दिखाया कि स्नो गिर रहा था, और देखो अब फिर से धूप निकल गई है। यहाँ का वेदर सीरियसली प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो फिर मैं रेडी होती हूँ जल्दी से। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस पास ही में जाना है, मॉल पास ही में है। तो ये मेरी स्मार्ट वॉच है जो इसमें चार्ज नहीं है आई थिंक। ये मैं जब स्कूल में रहती हूँ, ये बहुत इजी होता है, कभी रायन के स्कूल से कॉल आ गया या कुछ, मेरा फ़ोन तो साइलेंट रहता है, एटलीस्ट इस वॉच में पता चल जाता है कि आपका कोई कॉल आ रहा है तो आप बैग से निकाल के रिसीव कर सकते हो। तो मुझे लगता है अभी ये मुझे चार्ज में बिठा के जाना पड़ेगा। और दूसरी वॉच लेट्स सी कहाँ पर है। तो मुझे और एक मेरी अपनी घड़ी मिल नहीं रही है, तो मैंने जीत से बोरो किया है उसकी ये घड़ी। तो मैंने ही उसे गिफ्ट किया था एनिवर्सरी पे शायद, या बर्थडे में, दोनों में से कोई एक होगा। नहीं, ये एनिवर्सरी पे मैंने किया था, तो आज मैं यही पहन लेती हूँ, मैं सोच रही हूँ। और एक बात है, मेरे ड्रेस के साथ भी मैचिंग हो गया, ब्राउन कलर का। पता नहीं चलता कैसे जेंट्स और लेडीज वॉच में, मुझे ये बड़े डायल वाले अच्छे लगते हैं वैसे, अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चलेगा, बट अदरवाइज इट्स फाइन। सो यहाँ पर सिखाई देगा के लिए क्रीम बहुत ज़रूरी है। सो जो और रायन भी रेडी हो चुके हैं, तो हम निकलते थोड़ा घूम के आ जाते हैं, फिर हमें निकलना है वो शो के लिए। निकल गए मॉल के लिए, अब स्नो भी खत्म हो गया, धूप भी चली गई है और फिर से क्लाउडी हो गया। तो चलो बैठ के गाड़ी पे। आज अच्छी ठंड है, लेकिन मैंने सोचा ज़्यादा ठंड नहीं होगी, इसलिए मैं जस्ट ये पतली वाली जैकेट पहन के आ गई। लेकिन अच्छी ठंड, अच्छी खासी ठंड है। मॉल पे जाएंगे बोल के ठीक है, बाहर नहीं जाना है। हम लोग पार्किंग लॉट में हैं अभी। हम लोग अब घर के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। तो हम लोगों ने एक सेल्फी स्टिक कम उसका स्टैंड ख़रीदा है, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी अनबॉक्सिंग का, तो वो भी मैं दिखाऊंगी वो कैसे दिखने में है। तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी होगा, स्टैंड होगा तो, स्टैंड कम सेल्फी स्टिक है। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं, फिर घर जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट लेके फिर निकलना है थोड़ी देर में। स्नो गिर रहा है यहाँ पर, फिर से स्टार्ट हो गई है। कल मेरी फ्रेंड्स ने ये फ्लावर प्लांट दिया है, ये बहुत खूबसूरत है, ये फूल तो बहुत सुंदर लगते हैं, और अभी स्प्रिंग उसके बाद समर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे कुछ प्लांट्स हैं। ये बॉन्साई के, ये भी मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। और ये एलोवेरा की जो प्लांट है, ये एक्चुअली मैं थोड़ा भी, इतना धूप आ रहा है ये कुछ दिन से,
तो इसके लीव्स थोड़े रेडिश हो जा रहे हैं, तो मैं कभी कभी इसे बाहर रख देती हूँ और हफ्ते में एक बार ही पानी डालती हूँ। ज़्यादा पानी भी डालूँ तो थोड़ा ख़राब हो जाता है। और मैं दिखाती हूँ अपना, और एक फ्रेंड ने बहुत अच्छे फ्लावर्स दिए हैं तो वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अभी तो ट्यूलिप का सीजन है। सी हाउ लुक्स, इट्स रियली नाइस। मैंने तभी मॉल पे बताया कि मैंने एक सेल्फी स्टिक कम स्टैंड खरीदा है, ये वाला है। तो ये स्टिक बहुत कितने सेंटीमीटर, आई विल शो यू जब मैं इसका अनबॉक्सिंग करूँगी। तो मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, वो आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। ये हमारा रेडीमेड वाला पराठा है। ये मतलब बहुत इजी है, जस्ट डिफ्रॉस्ट करके आप सेक लें। ये है उसका पैकेट, ये रेडीमेड वाला मिलता है। अब कभी भी मन हो या आटा गूंदने के मन नहीं है, बना लो, बहुत इजी है। तो मैं ये रायन के लिए बना रही हूँ। मैं बैठी हो चुकी हूँ, अभी निकल रही हूँ। तो मेरी वॉच चार्ज हो गई है, अब फुल चार्ज है। कल एक्चुअली मैंने सारे दिन इतने पहन लिया था कि बैटरी डाउन हो गया था, तो अब फुल चार्ज है, अब पहन लूँगी, अब निकल रहे हैं। हम लोग निकल चुके हैं, 10-12 मिनट में पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ तो वीडियो करना अलाउ नहीं है, वीडियो तो नहीं हो पाएगी। हम लोग पहुँच चुके हैं, बहुत विंडी है आज, बहुत हवा चल रही है। मैं आपको वो जस्ट बाहर से वो बिल्डिंग दिखाती हूँ कहाँ पर ये होने वाला है। हम लोग पहुंच चुके हैं, फुल टायर्ड हो गया है अब तो। थोड़ा देखते हैं मूवी वूवी का प्लान अगर बने तो देखते हैं। और थोड़ा लग रहा पैर फैला के बैठूँ अब, टीवी चला के या कुछ करके थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। नाउ जस्ट वी आर वॉचिंग 83 मूवी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। Next vlog is coming soon.